किसान एकता जिंदाबाद। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार सबसे बेकार। नमस्कार सर, सभी भाइयों को राम राम। मेरी तरफ से मेरा नाम अजय मलिक है, मैं ग्राम सीवन जिला कैथल से बिलोंग करता हूं। आज जो हमारा मुद्दा है, जैसा सब लोग जानते हैं, जो मोदी सरकार के जो काले कृषि कानून हैं उनको रद्द करने के लिए जो किसान सहयोग आय सहयोग आंदोलन चल रहा है, उसे सहयोग देने के लिए हमने यहाँ पर भूख हड़ताल का 26 जनवरी तक भूख हड़ताल का प्रोग्राम किया है। और इसमें हमने किसान आंदोलन को सहयोग करने के लिए डेली हमारे गांव से 11 या 21 बंदे 12-12-24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठेंगे जी। और जो मोदी के जो काले कानून हैं उन्हें रद्द करवा के ही हम यहां से उठेंगे जी। कौन सा गांव है सर आपका? हमारा गांव सीवन है सर। सीवन है, हाँ जी। तो कितने लोग हैं जो आपके साथ बैठेंगे अभी आगे का टारगेट को लेकर के, कितने दिन? फिलहाल तो सर हमारे सब पूरा गांव ही है बैठने के तैयार है, क्योंकि इस जो आंदोलन है इसका सहयोग तो कोई कर ही नहीं रहा है। हर कोई विरोध कर रहा है इस कानून का जी। लेकिन मोदी जी को ये बात कान तक पहुंच नहीं पा रही है जी। उनके कान पे जू भी नहीं रेंग रही है जी। बॉर्डर पे हमारे जो किसान भाई बैठे हैं, डेली कोई ना कोई शहीद हो रहा है। पूरा गाँव हमारा, पूरा इलाका हमारा इस कानून के खिलाफ है जी। लेकिन मोदी जी तक ये बात पहुँचाने के लिए हमने आमरण अनशन किया है 26 जनवरी तक। अगर 26 जनवरी तक उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, उसके बाद आगे की हम रणनीति तय करके बात करेंगे जी। हमें क्या करना है क्या जी? आपका कोई संगठन भी है सर? जी संगठन हमारा संगठन तो सर हमारा नहीं है। तो मेरे पर्टिकुलर वैसे किसान आंदोलन को समर्थन जी 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 हम पर्टिकुलर किसान आंदोलन को समर्थन जी। तो क्या आपका बैकग्राउंड जो है किसान किसान खेती से रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड? नहीं सर, मैं आपको ये बात बता दूँ, ना ही मैं किसान हूँ ना ही मैं जमींदार हूँ जी। मैं दलित समाज के बिलोंग करता हूँ। इतिहास गवाह रहा है, जब जब काले कानून या कोई भी विपदा आई है समाज पे, दलित समाज ने हमेशा आगे बढ़ के दूसरे समाज का साथ दिया है। अब वही हम आज कर रहे हैं समाज के लिए। ये जो काले कानून है ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, उनके लिए मतलब कि उनका भी इसमें उनके लिए ये विरुद्ध है, उनके खिलाफ है। ये जो कानून है इसमें हर आदमी का, चाहे वो मिडिल क्लास आदमी हो चाहे वो गरीब हो, हर किसी का इसमें नुकसान है। क्योंकि अगर इन किसानों की वजह, इन कानूनों की वजह से हमारी मंडियों में जो मजदूर हैं उनका भी काम धंधा छिन जाएगा, उनके पेट पर लात लग जाएगी जी। तो इसमें ऐसा नहीं है, हमें यही बात लोगों तक पहुँचानी है कि जो कृषि कानून है इससे सिर्फ ये नहीं कि हम किसानों का ही नुकसान होएगा, इसमें आम जनता का सबका नुकसान होएगा। मैं 10 तारीख से लेकर 10 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक आमरण अनशन पर हूँ जी। जब तक कोई फैसला नहीं होएगा मैं भूख हड़ताल पे हूँ, और आगे भी अगर ये कानून वापस नहीं लिया तो आगे भी मैं भूख हड़ताल पर रहूँगा। देश में अनाज को पूजा जाता है, अन्न देवता को पूजा जाता है, उसी अन्न देवता का कर्ज उतारने के लिए, किसानों कर्ज उतारने के लिए हमें ये सहयोग करना होगा, हर व्यक्ति को सहयोग करना होगा। अनशन तो 26 जनवरी तक है जी, पर मैं ये कहूँगा ये मोदी नहीं है जी, ये हिटलर है। ये मोदी का तो नाम है पर मगर यह हिटलर है, जो किसी की सुन ही नहीं रहा। इतने लोग मारे गए, इतनी ठंड में, इतनी बारिश में लोगों का बुरा हाल है, पर मोदी जी है जो हिटलर है, इसके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। हम तो भगवान से यही दुआ करते हैं इस हिटलर को दिमाग दे, ये किसान की बात मान जाए और किसान बच जाए, मोदी भी बच जाए जी। आपका? मेरा नाम बलकार सिंह कंबोज जी। संगठन बस ये सारा भाईचारा ही है हमारा। सीवन से ही है जी आप? हाँ, मैं सीवन से बिलोंग करता हूँ। नमस्कार सर, मेरा नाम आशु मलिक है और सीवन गांव से बिलोंग करता हूँ, कैथल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में। सो जो ये कानून मतलब हमारे
प्राइम मिनिस्टर ने लागू किए हैं, ये किसी के हित के लिए नहीं है, सिर्फ ये जो इसके खास रिलेटिव हैं, जो मैं उनके ऊपर ही कटाक्ष करूँगा, जो कि मतलब रिलायंस कंपनी के मालिक हैं, क्या नाम उनका सर, धीरू भाई अम्बानी, और एक और क्या बोल रहे थे, अडानी, ये सिर्फ उनके प्रॉफिट के लिए कानून बनाए गए हैं और गरीब तबके के लोगों को दबाने के लिए कानून बनाया गया है, कोई इसमें किसी का हित नहीं है। जो ये मतलब मजदूर की हालत कल भी ऐसी थी और हमारी हालत देख लो सर, हम मजदूर फैमिली से बिलोंग करते हैं और ना ही हम जिम्मेदार हैं, सिर्फ हम किसान भाइयों के लिए यहाँ पर आकर के बैठे हैं अमरण अनशन के लिए। तो हमारा मेन मोटिव यही रहेगा कि इस हड़ताल के थ्रू कि हम किसान भाइयों का सहयोग करें। और ये बात मैं मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहूँगा कि आपने एक बेवकूफ़ आदमी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। आप सबसे बड़ी गलती उसकी ये है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं है कि किसी सेंटर के कानून के बीच में आड़े मतलब टांग अड़ाने का। उन्होंने सबसे बड़ी गलती ये की हमारे मुख्यमंत्री ने कि जो खड्डे वगैरह खोदे किसानों के रास्ते में, मतलब किसानों के रास्ते में फूल बिछाने के बजाय कांटे बिछाने का काम किया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ज़िंदगी में आप कभी भी किसानों के सामने या गरीब जनता के सामने कभी भी ये सोचकर मत आना कि दोबारा आपको जनता माफ़ कर देगी, बल्कि ये समझ करके आना कि देश के सबसे बड़े दुश्मन और हमारे गरीब लोगों के सबसे बड़े दुश्मन है तो खट्टर भाई है। धन्यवाद।